होते हैं इसमें सुना उसना और अरवा ये दो वर्ड हैं खासकर बिहार उड़ीसा झारखंड बांग्लादेश क्या होते हैं वेस्ट बंगाल यूपी ईस्टर्न यूपी में तो चावल को दो तरीके से बनाया जाता है पेडीज जो धान होते हैं ना धान उसको क्या होता है लाए सुखाए और सीजन मिल में भेज दिया तो होता क्या है कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब चिपक जाता है हस्क के नीचे और निकल जाता है और वाइट वाइट राइस आपको मिल जाता है उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। एक दूसरा मेथड होता है चावल को बनाने का जिसमें धान को क्या करते हैं गाँव में और ईस्टर्न या साउथ में भी वो चावल क्या करते हैं धान को क्या करते हैं पहले बॉयल करते हैं बहुत बड़े उसमें उसीनते हैं बॉयल करने के बाद उसको सुखाते हैं फिर भेजते हैं मिल में। उसे क्या होता है कि उस जितने भी कण होते हैं वो सब चावल के ऊपर चिपके होते हैं वो कण कलर क्या होता है रेड और जो उसका हस्क होता है ना उसमें कुछ नहीं होता तो वो जो चावल आप खाओगे वही एसिडिक है एल्कलीन है बाकी एसिड हो गया न्यूट्रिएंट्स हट गए। दूसरा मिस्टेक हम क्या करते हैं चावल को कभी भी कुकर में नहीं पकाना चाहिए ओपन कुक करें चावल को कुकर में प्रेशर ना करें तो हम वहां भी प्रेस कर रहे हैं डिजीज को अपने बॉडी के अंदर। और चावल को खाने के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है चावल को खाया जाए सब्जी के साथ चावल कभी दाल के साथ ना खाएं। हाँ अगर चावल दाल के साथ खाओगे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं नहीं वो तो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है दाल चावल खिचड़ी अगर आप ऐसा करते हो तो ठीक है अगर आप एक्सरसाइज करते हो आपका शारीरिक कार्य है फिजिकल लेबर करते हो आप तो आप खा सकते हो आप पचा सकते हो लेकिन अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है या आपकी बॉडी डिजीज हो पकड़ लिया है कोई बीमारी आ गई है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जनरेट हो गया शरीर में तब बंद कर दो या तो फिर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तब आप खा सकते हो उस तरीके से वरना आपका पेट पचा नहीं पाएगा उसको चावल दाल को इकट्ठा कंफ्यूज करते हो। कोई यंग है बच्चा है ठीक है अगर आप हमारी तरह सुबह सुबह रोज अष्टांग विन्यास योग करो तो खा सकते हो तब तो कुछ भी खाओ बच जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हो तो ना खाओ। आप देख लो हमारी एक्टिविटी क्या है फिजिकल एक्टिविटी कितनी है ना एसी में बैठने का काम है और ओपोलेंटली खाओगे तो नहीं चलेगा काम। तो चावल के बारे में बता दिया बाकी गेहूं के अलावा जितने भी आटा है सब में कार्बोहाइड्रेट मेजर है तो कार्बोहाइड्रेट बता दिए आटा आप लोग ध्यान दीजिएगा कुछ में छूट गया पूछ लीजिएगा। तो चावल प्रोटीन मेजर कार्बोहाइड्रेट मेजर की दो चीज़ें चपाती और राइस बता दिया और कोई ऐसी चीज़ आपको याद आ रही हो तो पूछ लीजिए बताइए क्या राइस हाँ खा सकते हैं ड्राई वेजिटेबल के साथ खाए तो बहुत बढ़िया है वेट के साथ भी खा सकते हैं। होता क्या है चावल को ज़्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती चावल जब कुक होता है ना उसी वक्त वो बाइसेक्टाइड में बदल जाता है तो इसलिए चावल के साथ दाल मिला दिया या चावल के साथ आपने सब्जी मिला दिया या चावल को आपने ज़्यादा नहीं चबा रोटी जितना चबाते हैं चावल को चबाने की जरूरत पड़ती है नहीं ना तो 32 बार फॉर्मूला चावल पे लगेगा नहीं लगेगा ना 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए तो 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए अगर प्रोटीन खा रहे हो पनीर खा रहे हो तो 40 बार चबाना चाहिए और अगर आप चावल खा रहे हो तो 20 बार चबाने में काम बन जाएगा या 10 बार चबाने से काम बन जाएगा। तो चावल क्या होता है जब आप चावल एक ऐसी चीज है कि खेत में सीड जब करते हैं ना खेत में बिछन डालते हैं ना वहां से लेके आपके पेट में पचने तक हर समय उसको कहते हैं पानी 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 मेजर है। तो जो लोग फैट हैं जिनका वजन बढ़ गया है जिनका पेट निकल रहा है क्यों चावल बंद करवा देते हैं क्योंकि उसमें पानी और अर्थ वाटर एंड अर्थ दोनों की प्रोपेंसिटी ज्यादा होती है। तो चावल को आप दाल के साथ ना खाएं चावल का बेस्ट कॉम्बिनेशन है सब्जी के साथ खाइए बांग्लादेश में देखिएगा ऐसे ही खाते हैं लोग। हाँ करो आलू जी आप लोग पूछ लिया करो हाँ आई मीन स्किप तो आलू के बारे में बता दें आलू को आपको छीलना नहीं बस आलू कैसे भी खाओ आलू को जैसे ही बॉयल करोगे ना अगेन वो बाइसेक्टाइड में बदल जाएगा बॉयल करने से ही बाइसेक्टाइड उसको ज़्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है वो स्ट्रेट में डाइजेशन में चला जाएगा। चावल को
पोटैटो को बॉयलिंग करते वक्त ही, चपाती को बॉयलिंग करते हो ना आप लोग, लेकिन जब दलिया को बॉयल करोगे तो फिर बाइसिकलेटिंग बदल जाएगा। दलिया इज बेटर देन, दलिया को सुपाच्य माना गया है, ठीक है। इसलिए पेशेंट को जब वीक लोग, अगर कोई शरीर से वीक हो गया है, उसको पचाने के लिए, चपाती को पचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो कमजोर व्यक्ति और कमजोर होगा। इसलिए दलिया खिचड़ी इसलिए दिया जाता है ताकि उसको ज़्यादा पचाने के लिए ऊर्जा का खर्च ना करना पड़े और कम ऊर्जा में ही उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से खाइएगा। अब हम आगे बढ़े। हाँ, एक माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हो गया? हाँ, ये कहते हैं खाने के लिए ना। तो ठीक है, मात्रा में देखिए, मात्रा में आपको आपने सुपाच्य भोजन जैसे खिचड़ी है, दलिया है, इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा भी ले लेते हो ना, तो उससे ज्यादा पेट को दिक्कत नहीं होता है, वो थोड़े देर के बाद वो लगेगा सब एडजस्टेबल हो गया। लेकिन आप रोटी या चपाती ज्यादा ले लिया तो वो आपको लगेगा कि नहीं, स्टिल स्टैग्नेंट रहता है, बराबर है। तो उसके बारे में बताएंगे। मात्रा ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, बट तो ऐसा हो कि आपको आपको भूख मिट जाए, आप खाना खा रहे हो, खाते खाते आपको भूख मिट जाए और ऐसा लगे कि एक बार लेने की आवश्यकता हुई तो ठीक है, इच्छा हुआ तो ठीक है, लेकिन दूसरा बार लेने की इच्छा हुआ तो फिर आप रोक देना ना, अब नहीं, हाफ स्टमक। या खाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका वो बताते हैं कि आप जब खाएं तो आपका पेट किधर है, इधर है, इधर। तो ये ऐसे करके अगर बैठ के जो व्यक्ति खाते हैं ना, वो अत्याहार नहीं खाएंगे। इससे क्या होता है, आधा स्टमक ऐसे ही प्रेस रहता है। तो ऐसे खाने के बाद गांव में कुछ महिलाओं को मैंने देखा ऐसे खाते हुए, है ना, माताएं खाती है गांव में। और हमारे यहाँ एक दुबई में होती है, नाम है तुलसी गोविंद, ऑलवेज ही इट्स लाइक दैट, और बड़े स्लिम हैं, फिट हैं। तो बाकी उनके घर में प्रॉब्लम है लेकिन वो फिट है। तो मैंने कहा प्रभु, इसका रीजन ये है कि आप आधा पेट खाते हो हमेशा, तो ऐसे ही खाते हैं बैठ के तुलसी गोविंद प्रभु ऑलवेज। तो उससे क्या होता है, आपका स्टमक दबा हुआ होता है और हाफ तो ऐसे ही प्रेस रहता है, तो ज़्यादा खाई नहीं। जैसे ही उनको लगेगा कि इसको हटाने की जरूरत पड़े तो खाना बंद कर दो, समझो कि आपका एक्सपेंशन हो रहा है। तो देखिए मात्रा में, देखिए मात्रा के बारे में लास्ट टाइम एक बार बताया था कि अगर आपको नेक्स्ट मील तक भूख ना लगे तो पहले ही आपको मात्रा कम कर देंगे, एक्सपेरिमेंट करिए, है कि नहीं। आप ब्रह्मचारी लोग 9 बजे खाएंगे, 5 बजे तक भूख नहीं है तो पहले ही मत ज़्यादा डालो, बराबर है, दो रोटी कम खा खा देखो। एज एक्सपेक्टेड दिस क्वेश्चन, यस। ऐसा है कि जो खिचड़ी आप बनाते हो, अब खिचड़ी ओरिजिनली आपको मालूम है जब बनाने का मेथड आप लोग भूल गए हैं। खिचड़ी अगर बनाने का देखो तो बंगाल में जाके देखो खिचड़ी बनाने का तरीका, यहाँ लोग आप पंजाबी कल्चर, पंजाबी लोगों को बदनाम करेंगे, बट यस समाओ अदर कि क्या करते हैं माताएं के दिमाग में ये आ गया है कि अगर 200 ग्राम चावल है तो 400 ग्राम दाल मिला दो, जबकि ये रेशियो उल्टा होना चाहिए। अगर आपके पास 500 ग्राम चावल है तो 50 ग्राम दाल होना चाहिए, मालूम आपको, 500 ग्राम चावल है तो 50 ग्राम दाल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें क्या होता है, जब 50 ग्राम की क्वांटिटी डालोगे तो जस्ट लाइक दाल का पानी पीने जैसा ही होता है, इफेक्ट मच। लेकिन वहाँ इक्वल कर देते हैं लोग बाग ना, आजकल माताएं जो चावल, आप लोग खिचड़ी बनाते हो कितने रेशियो डालते हो, याद है जैसे बता रहे वैसे ना, देखिए और बराबर, ज्यादा नहीं तो बराबर बराबर है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ पंजाब साइड में तो ज्यादा ही रहता है। तो ये खिचड़ी बनाने का तरीका गलत है, अगर ऐसे खिचड़ी खा, ऐसा खिचड़ी खाना सही नहीं है, ठीक है। तो वो खिचड़ी हुआ कहाँ, फिर उसे वेजिटेबल भी डालते हैं लोग, तो दाल की मात्रा वैसी होनी चाहिए। खिचड़ी आप बनाओ तो ऐसे ही बनाना, समझे आप, 100 ग्राम में 10 ग्राम बस। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। वेजिटेबल्स में मिनरल्स, वेजिटेबल्स ना तो फैट होता है ना प्रोटीन होता है कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल्स में मिनरल्स एंड विटामिन एंड फाइबर्स, दैट्स ऑल। वाटर है ना, हाँ नहीं, 100 ग्राम अगर है तो 10 ग्राम आप डालेंगे, 100 ग्राम से 10 ग्राम। प्रोटीन पे आने दीजिए, फिर प्रोटीन की बात करेंगे, अभी कार्बोहाइड्रेट की बात करिए।
हाँ दाल प्रोटीन है, इसलिए दो मिक्स नहीं करना है, मोनो डाइट। तो दाल, दाल को नाम वास्ते, जैसे मैंने कहा ना